शरीर दिल्ली में रहेगा लेकिन मन घर में ही रहेगा, संगरिया धाम में लगा रहेगा, न जाने आज क्या हो रहा होगा वहां पर। इसी स्थिति में सूर्य नारायण है, उनके वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। और दर्शन करिए, दिन में 12 बजे सूर्य नारायण ऊपर ही रहते हैं, अवध के ऊपर थे सूर्य नारायण, नीचे का आनंद महोत्सव देख रहे हैं। ऐसी ड्यूटी उनकी है कि छुट्टी है ही नहीं, 24 घंटे चलना है। सोचे यदि चलना तो जीवन भर है, आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी, आनंद महोत्सव से दूर हो जाऊंगा, थोड़ी देर रुक कर देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो गए सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर, खड़े होकर उत्सव देखने लगे। एक भजन हुआ, दूसरी बधाई भई, तीसरी भई, चौथी भई, और मन लगता गया, बस 5 मिनट और, बस आखिरी बधाई पद और। 3-4 घंटा सरकार बीता, फिर सूर्य नारायण सोचे कि कब तक गाएंगे ये लोग, गाने की भी सीमा है ना, कब तक गाएंगे, अब तो बंद होने ही वाला होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने मेरे पीछे क्या क्या हुआ होगा, अब एक बार पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए, बधाई वाले सोच रहे हैं कि अंधकार हो, रात्रि हो तो बंद करे। जैसे 8 बजने का होता है हम भी ढूंढने लगते कहां कथा को बंद करें, आरती का समय हो गया ठाकुर जी के। गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करें, सूर्य नारायण सोच रहे हैं बंद हो तो हम जाएं। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है, न नीचे बंद हो रहा है। अब बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा यह मर मन जानहि को, रथ समेत रवि थाग्यो निशा। भगवान के अवतार के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने तक प्रकाश ही प्रकाश बना रहा।